नमस्कार। आज बीए थर्ड के डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की पाठ्यक्रम के लिए हम द्वितीय इकाई का प्रथम लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है परंपरावादी सिद्धांत विकास के बारे में, और इसमें हम दो सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा रोस्टो थ्योरी ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको विकास का परंपरावादी विकास का परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं। विकास का परंपरावादी जो सिद्धांत है वह मुख्यतः एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जेबीसे, पीगू, जेएस मिल आदि अर्थशास्त्रियों से संबंधित है, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक पिता भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को 300 वर्ष पूर्व भी पॉलिटिकल इकोनॉमी राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग करकर अर्थशास्त्र को एक नए विषय के अंदर पहचान दिलाने का जो कार्य किया वो डॉक्टर एडम स्मिथ को जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन उनकी एक प्रसिद्ध बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन उनका पूरा टाइटल है बुक का। और यह सवाल हमेशा अर्थशास्त्रियों के विषय अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनके सम्मुख रहा है कि देश का आर्थिक विकास किस तरह से हो। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विकास को विषय को लेकर एक अपना अलग प्रकार का दृष्टिकोण था, और उस दृष्टिकोण में उनका जो मूल तत्व है कि विकास में अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो पड़ाव है, वो स्टैग्नेशन का है, यानी कि स्थिरता का है, जहाँ किसी प्रकार का भी वृद्धि होने की संभावना रहे। तो स्टैग्नेशन की कंडीशन पे उन्होंने अधिक बल दिया है। अब सवाल ये होता है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास किस तरह से किया जाता है। अब उनका ये मानना था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर लाभ एक प्रक्रिया है, और लाभ को बढ़ाने का हर संभव प्रयास उद्यमीकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, और ये अनुमान किया जाता है कि जब लाभ में संभावित वृद्धि होगी और ये लाभ में होने वाली वृद्धि क्या करेगी अर्थव्यवस्था में, वो निवेश में वृद्धि करती है, यानी कि देश के समस्त प्रकार के उद्यमीकर्ताओं के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की लागतों को, व्यय को, खर्चों को निकालने के उपरांत, सभी प्रकार के करों को निकालने के उपरांत जो लाभ बचता है, उस लाभ को करते क्या है, वो अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। निवेश पूंजीगत वस्तुओं में हो सकता है और उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं में भी। पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वो मशीनरी है, उपकरण है, उपभोक्ता संबंधी जो उपभोग में प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर उपभोग में काम आती हो, प्रत्यक्ष तौर पर आप कह सकते हो कि जो खाना है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जिनसे आपको प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। दूसरी तरफ सेवाएं जो हैं, डॉक्टर की सेवाएं, शिक्षक की सेवाएं हैं, वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि देती, उन दोनों में निवेश करते हैं। तीसरा, अधोसंरचना, सड़क, पानी, बिजली, रेलवे लाइन, समुद्री जहाज, वायुयान, इनमें जो निवेश करते हैं अधोसंरचना के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना दोनों सम्मिलित होती हैं। इनमें जब निवेश किया जाता है तो वो निवेश क्या करता है, वो निवेश आपकी वर्तमान अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का स्टॉक है उसमें वृद्धि कर देता है। सामान्य तौर पर हम एक परिवार में अगर
दो कमरे का मकान है और हम उसमें एक कमरा और जोड़ देते हैं, तो ये हमारा उस दो कमरे की मकान की जो हमारी पूंजी थी, उस मकान की पूंजी में हमने कमरा बना के वृद्धि कर दी। जो एक चीज़ या एक तथ्य या एक अवधारणा जो एक व्यक्ति पर लागू होती है, वही पूरे समस्त पर देश पर लागू होती है या समस्त विश्व की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होती है। यानी कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के निवेशकर्ता, विभिन्न प्रकार के उद्यमी, विभिन्न प्रकार के व्यापारी देश के पूंजी स्टॉक में अपने लाभ के माध्यम से वृद्धि करते रहते हैं। अब वृद्धि जब होगी तो स्वाभाविक है कि आपकी तकनीक में भी विकास होगा, तकनीक का भी प्रभाव बढ़ेगा, और तकनीक का प्रभाव बढ़ने से हमारी उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है, हमारी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, लागत में हमारी में कमी आती है, और जब लागत में कमी आती है, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है, निसंदेह हमारा लाभ और दुगना हो जाता है। और जब लाभ उद्यमियों का दुगना हो रहा है तो स्वाभाविक है कि मशीनें हों, उपकरण हों या कोई भी तत्व हो, बगैर श्रमिकों के तो उसको चलाया नहीं जा सकता। तो श्रमिक भी, लेबर क्लास भी, जो श्रम संघ है, श्रम वर्ग जो है, पोलिट्रेट जो क्लास है, सर्वहारा वर्ग जो वर्ग है, वो भी अपनी मजदूरी फंड को, मजदूरी कोष को वृद्धि करने में रुचि रखता है। और जब उद्यमीकर्ताओं को लगता है कि मजदूरों की वृद्धि करना अति आवश्यक है तो उसमें वृद्धि करते हैं, क्योंकि मजदूरों वृद्धि करने से ही ज्ञान में, कौशलता में वृद्धि होती है और जिससे उत्पादन की क्षमता है उसकी लागत में कमी आती है। अब सवाल आता है कि आपने पहले लाभ आया, लाभ को हमने निवेश किया, निवेश से हमारी पूंजी का स्टॉक बढ़ा, पूंजी के स्टॉक से हमारी उत्पादन की क्षमता बढ़ी, उत्पादन की क्षमता बढ़ी तो उससे हमारी तकनीक में सुधार हुआ, तकनीक में सुधार होने से पुनः हमारे पूंजी का संचय वृद्धि होती है और परोक्ष रूप से हमारा मजदूरी कोष में वृद्धि होती है। अब हायर वेज इंडस्ट्रीज जो है, जो उच्च कोटि का वेज मिलता है, तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मानना था कि इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोग शादी करना चाहते हैं, लोग विवाह रचना चाहते हैं, ताकि अब क्योंकि उनको लगता है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से संतुष्ट हैं, आर्थिक दृष्टि उचित मार्ग पर हैं, और ये आपका जब इस प्रकार का सामाजिक शांति रहती है तो विवाह का कंसेप्ट उभर कर आता है और इससे जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक बात है कि जनसंख्या के द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न की सामग्रियों की, भोजन की, सब्जियों की, फलों की, फ्रूटों की मांग में वृद्धि होने लगती है। और जब खाद्यान्न सामग्री में वृद्धि होती है तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मानना था कि उस बढ़ी हुई मांग में, बढ़ी हुई खाद्यान्न मांग को पूरा कैसे करेंगे, पूरा करने के लिए और अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी और अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो इस तरह से उस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ताओं के द्वारा श्रमिकों की पूंजी की मांग में वृद्धि की जाने लगती है। ये इस तरह से बोला आर्थिक विकास को पाया जा सकता है। अब सवाल आया कि क्या ये आर्थिक विकास का पथ जो है, मार्ग जो है, सतत चलेगा, ऐसा ही बना रहेगा कि लाभ हुआ, लाभ का हमने निवेश किया, निवेश करने से पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हुई, पूंजी के स्टॉक करने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, लागत में कमी आई और पूंजी का संचय हुआ, पूंजी के संचय ने पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाया, पॉपुलेशन ग्रोथ ने हमारी भोजन व्यवस्था को बढ़ाया, फूड की मांग की, और फूड की मांग करने के लिए हम श्रमिकों की और पूंजी की मांग करते हैं। अब सवाल यह आया कि क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा तो सभी देश एक बहुत उच्च कोटि की आर्थिक विकास की दर को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पूरे संसार में देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं परंपरागत जो, उनका मानना था
कि सब जो खाद्यान्न की सामग्रियों का जो उत्पादन हो रहा है या पूंजीगत वस्तुओं की जो स्थापना की जा रही है या उपभोग संबंधी वस्तुओं की जो स्थापना की जा रही है वो भूमि पर होती है। भूमि का जब अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो उनका ये मानना था कि जब एक ही वस्तु का बार बार प्रयोग करते हैं, कि साधन का जब बार बार प्रयोग करते हैं तो उससे जो प्रतिफल है यानी कि जो रिटर्न है, आउटकम है, परिणाम है, वो घटने लग जाता है, कमी आने लग जाती है। और जब उसमें कमी आने लग जाती है तो बोला कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आने प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, जो भूमि जब किसी उद्योग की स्थापना की थी वह भूमि का मूल्य कम रहता है, लेकिन उद्योग की स्थापना के बाद छोटी छोटी दुकानें प्रारंभ होती हैं, फिर वो छोटा सा जो गांव था वो बड़े कस्बे में परिवर्तित होने लग जाता है और इससे भूमि की मूल्य में वृद्धि होने लग जाती है। और ये तमाम जो चीज़ें, भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी तो जीवन यापन कठिन होने लग जाता है और इससे क्या होगा कि राइज इन लेबर कॉस्ट, जिन श्रमिकों को 20 साल पहले उस जगह पर मकान सस्ती दर पर किराए पर मिल जाता था, उन्हीं श्रमिकों को मकान महंगा मिलता है। और मकान जब महंगा मिलेगा तो वो भी चाहेंगे कि हमारी मजदूरी की दरों में वृद्धि हो, और मजदूरी की दरों में जब वृद्धि की मांग होगी तो स्वाभाविक बात है कि लेबर कॉस्ट जो हमारी श्रमिकों की जो लागत है वो बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो उसका परिणाम किस पर पड़ेगा? पूंजीगत वस्तुएं जिनको हमने निवेश के माध्यम से लगाया है, दूसरा उपभोग संबंधी वस्तुएं जो हमारी खाद्यान्न से संबंधित हैं वो प्रभावित होती है और उनकी कीमतों में वृद्धि होने लग जाती है। और जब भूमि की कीमतों में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी, फूड की कीमतों में वृद्धि होगी, सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होगी, तो इससे सारा क्या होगा, पूरी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी अर्थव्यवस्था में भी ये प्रभाव पड़ेगा कि किराया में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो भूमि का किराया पहले कम था उस भूमि पर किराया अधिक लिया जाने लगा है। दूसरा, श्रमिक लगातार अपनी श्रमिकों की दरों में, मजदूरियों की दरों में वृद्धि करना पसंद करेंगे। अब इससे क्या होगा? इसका जो इम्पैक्ट होगा अर्थव्यवस्था पे, कहीं एक व्यक्ति के उस पर कहें, रिड्यूसिंग प्रॉफिट्स, लाभ में कमी आएगी। यानी कि देखिए, हम फिर से एक बार आपको रिपीट करके बताते हैं, बहुत छोटी तीन चार चीज़ें हैं जो परंपरावादी अर्थशास्त्र ने बताई। उनका ये मानना है कि आपका जो लाभ होगा उसको हम निवेश करते हैं, निवेश करने से अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, पूंजी के स्टॉक में जब वृद्धि होती है तो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और उत्पादन लागत कम आती है। उत्पादन लागत जब कम आती है तो स्वाभाविक बात है कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है और ये प्रॉफिट मोटिवेट करता है कि श्रमिक अपनी मजदूरी दर बढ़ाना चाहते हैं। मजदूरी दर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन साइज़ बढ़ जाता है, पॉपुलेशन साइज़ बढ़ेगा तो सवाल आता है कि फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए श्रमिकों की और पूंजी की मांग बढ़ेगी। लेकिन एक साधन हमारे पास भूमि है जिसकी जो प्रतिफल की क्षमता है, रिटर्न की जो क्षमता है, फलन की जो क्षमता है वो गिरने लग जाती है, और जब गिरती है तो लागत बढ़ जाती है किसकी? श्रमिकों की। श्रमिकों की लागत बढ़ जाती है तो स्वाभाविक बात है कि अन्य जो साधन है हमारे, अन्य जो वस्तु, उनकी भी कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, चाहे वो भूमि का किराया, चाहे पूंजी पर ब्याज हो, चाहे रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली खाने पीने की उपभोग संबंधी वस्तुएं हो, चाहे पूंजीगत वस्तुएं, महंगी होने लग जाती। और अल्टीमेटली इसका सारा प्रभाव किस पे पड़ेगा?
कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, लाभ कम हो जाता है। अब जब लाभ कम होगा तो वहाँ लाभ बढ़ने से दूसरी चीज़ें बढ़ रही थी, अब लाभ कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? वो कहते हैं कि जब लाभ में कमी आएगी तो रिडक्शन इन्वेस्टमेंट, निवेश में कमी आएगी, और निवेश में कमी आने से तकनीकी उन्नति जो हो रही थी वो कम हो जाएगी, उसमें विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसका विपरीत प्रभाव उनके लाभों की कमी और करेगा, तो जो मजदूरी कोष बढ़ते हुए आ रहे थे उनमें कमी होने लग जाती है, और जब मजदूरी कोष कम लग जाती है तो लोग विवाह में रुचि करना बंद कर देते हैं, तो पॉपुलेशन साइज भी कम होने लग जाता है, और जो हमारा कैपिटल अकोमोलेशन, पूंजी का संचय हो रहा था, वो भी कम होने लग जाता है, और इस तरह से हम एक स्थिर अवस्था की स्थिति में पहुँच जाते हैं। और इन द क्लासिकल मॉडल द एंड रिजल्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इज स्टैग्नेशन, अंतिम परिणाम पूंजीवादी विकास में स्थिरता है। इन दिस स्टैग्नेशन रिजल्टेड फ्रॉम द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट्स टू फॉल एंड कंसिक्वेंट ड्रॉपिंग ऑफ कैपिटल अकोमोलेशन। और ये जो प्रवृत्ति है स्थिरता की, ये न केवल आपके लाभ को कम करेगी बल्कि आपके पूंजी संचय पर भी प्रभाव डालेगी। एंड वन दिस हैपन्स कैपिटल अकोमोलेशन सीजिस, और जब ये होगा, घटित होगा, तो कैपिटल अकोमोलेशन सीजिस, आपका जो पूंजी संचय उसके अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, पॉपुलेशन बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड स्टेशनरी स्टेट सेट्स इन, और यहाँ आकर आपकी जनसंख्या एक स्थिर अवस्था की स्थिति में होगी, और पूरा देश जो है, पूरा राज्य जो है, वो भी स्थिर अवस्था में होगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कि उनका विकास का किस तरह से किया जा सकता है। तो ये चार छः बिंदु उन्होंने बताए। अब इन चीज़ों को जो हमने थ्योरेटिकल बात आपसे की डायग्राम के माध्यम से, और फिर हम इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं, तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का हमने लिंक भी दे रखा है, वहाँ का ये हमने डायग्राम लिया है। आपके एक्स अक्ष पर जो है लेबर है, कि लेबर का क्या रोल होता है, और टीपी क्या हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व को बताता है, कुल उत्पादन बढ़ रहा है या कुल पूंजी संचय कह सकते हो, कुल उत्पादन कह सकते हो उसको, और टीपी जो हमारा कुल उत्पादन वक्र है, डब्ल्यू हमारा मजदूरी दर को बतलाता है जो आपको उत्पादन क्षमता से। अब जो है जो जो श्रमिक हम लगा रहे हैं, हमने श्रमिक लगाया ओ एन वन, तो साथियों इसमें देखें कि डब्ल्यू वन एन वन हमारा मजदूरी है, और मजदूरी पर होने वाला व्यय खर्च, और डब्ल्यू वन ई वन जो है हमारा उस पर टोटल प्रोडक्ट जो शेष बच जाता है, लाभ जो हो जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको कह सकते, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसको आप कह सकते हो, वो आ जाता है। और इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को जब दोबारा निवेश किया जाता है तो रोजगार ओ एन से बढ़कर ओ एन टू हो जाता है, और अब मजदूरी में वृद्धि हो रही एन टू डब्ल्यू टू जो कि एन वन डब्ल्यू वन से अधिक है, और प्रॉफिट हमारा डब्ल्यू टू और ई टू की तरफ जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है, और जहाँ ये टी पी कर्व डब्ल्यू को काट रहा है, इसमें दिखाई नहीं दिखा रहा, यानी कि तब तक जो है ना इसमें कहेंगे कि गति चलती रहती, लेकिन इस जहाँ काट रहा है टी पी डैश हमारा काट रहा है डब्ल्यू को, उस बिंदु पर आप कहोगे कि ये कौन सी स्टैग्नेशन की स्थिति है, यहाँ पर जो है आपका विकास स्थिर अवस्था में आ गया है। तो साथियों जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कुल लाभ में कमी हो जाती है, लागत में वृद्धि होने लग जाती है, और अल्टीमेटली 20, 25, 50 साल में हम जो है वहीं स्थिर अवस्था में आ जाते हैं जहाँ पहले से स्टार्ट किया था, जहाँ ओ एन की स्थिति थी वहीं पर आ जाते हैं। अब यहाँ आकर परंपरावादी अर्थशास्त्री मौन हो जाते हैं। उसके बाद मीड आया, सोलो आया, जॉब इंट्रोबिशन आया, हेराड आया, डोमर आया,
इन लोगों ने कहा कि इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये इसकी इतनी समझ नहीं रखते थे। अब इसको हम जो सारा हमने सीक्वेंस बताया इसको मैथमेटिकली करने के लिए सात प्रकार की परिस्थितियाँ बनती है, प्रोपोजिशन बनती है। वो एक है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। दूसरी चीज़ है हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तकनीकी उन्नति या उन्नयन निवेश पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश अर्थव्यवस्था में लाभ पर निर्भर करता है। प्रॉफिट डिपेंड अपॉन लेबर सप्लाई एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बोले जो लाभ है ये किस पर निर्भर करेगा, श्रमिकों की पूर्ति पर और तकनीक के क्या स्तर है, क्या लेवल है। और साइज ऑफ लेबर फोर्स जो है, श्रमिकों का जो बल का आकार, जो श्रमिक कितनी संख्या में हो, ये किस पर डिपेंड करेगा। बोला ये मजदूरी कोस्ट पर निर्भर करता है। साइज ऑफ लेबर फोर्स डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा उसने कहा कि वेज फंड, पहला मजदूरी कोस्ट पर, और दूसरा आपका निवेश पर। फिर बाद में हम क्लोजिंग इक्वेशन जब बंद करेंगे इसको तब बताएंगे। इनको एक एक करके हम बता रहे हैं। सबसे पहला हम लेके जा रहे हैं आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन। कहता है कि जो पूरा अर्थव्यवस्था के अंदर टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ लेबर, द स्टॉक ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, एंड दस इट एक्सप्रेसिज ए फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो साथियों इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय कह लो, राष्ट्रीय उत्पाद कह लो, या कुल उत्पादन कह लो, कोई भी अर्थव्यवस्था है, चाहे यूएस की है, चाहे भारत की है, चाहे श्रीलंका की है, चाहे किसी की भी, बोला वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से चार चीज़ों पर निर्भर करती थी। एक एल के एन टी हम लिख रखा है, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के एन टी। एल के एन टी से मतलब क्या, क्यू क्या होता है उस देश की, अगर भारत का अनुभव लें, भारत को उदाहरण के तौर पर लें, तो क्यू जो है भारत की राष्ट्रीय आय को अंकित करता दिखलाता है। एफ फलन है, अभी राष्ट्रीय आय किसके कारण होती है, सवाल ये है, तो उसमें किस किस का योगदान है। तो उसमें सबसे पहला जो योगदान है वो एल के एन टी, लेबर का, साइज ऑफ कैपिटल का, नेचुरल रिसोर्सेज का, टी फॉर टेक्नोलॉजी है। तो क्यों हमारे पास क्या, कुल उत्पादन, एल क्या है साइज ऑफ लेबर, श्रमिकों का आकार, और के जो है स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि जितना भी स्टॉक, मशीन, उपकरण, मकान, पुल, नदी, नाले, जो भी आप करते हैं, एंड अमाउंट ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो किसी देश में उपलब्ध हैं वो, टी टेक्नोलॉजी, एन इज कांस्टेंट, उसने कहा कि जो एन है प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे वो स्थिर है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक साधन क्यों स्थिर है, आप कह सकते हो साहब इनको तो बढ़ाया जा सकता है, संभव नहीं है। संख्यात्मक रूप से हम प्राकृतिक संसाधनों को नहीं बढ़ा सकते आज की तारीख में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं, संभव नहीं है, युद्ध के माध्यम से ही बढ़ सकता है। या जमीन के अंदर जो कोयला है, तेल है, वो जो भी है, क्या उनको संख्यात्मक रूप से बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते, तो कर क्या सकते। हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, किसके माध्यम से, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वो कुल मिला के ये कहा गया कि टोटल जो आउटपुट है
वो चार फैक्टर पे, चार तत्वों पे, चार चरों पर निर्भर करता है। एक आपका श्रमिकों का बल, दूसरा आपका पूंजी, तीसरा आपका तकनीक और एक चीज़ को, चार चीज़ों में से एक चीज़ को हमने एन जो है को स्थिर मान लिया है। यानी कि एल के टी जो हमारे पास लेबर है, कैपिटल स्टॉक और तकनीक है, इन्हीं के प्रभाव को हम मानते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र की यही प्रभाव डालते हैं। अब आगे की दूसरा जो फंक्शन आता है, ये बताया कि कुल उत्पादन किस पर निर्भर करता है, तो चार तत्वों पर हमने बताया। दूसरा चीज़ आता है जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो डिपेंड करता है किस पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, निवेश के ऊपर। किसी भी देश का जो तकनीकी विकास है वो उस देश के निवेश पर निर्भर करता है। वो क्या कहता है कि जो निवेश है या जो तकनीक है उसके रिलेशनशिप को संबंध बतलाता है कि दोनों में एक संबंध है। क्या संबंध है कि किसी भी देश की जो तकनीकी उन्नयन है वो फलन है निवेश का। कहने का तात्पर्य है कि देखिए टी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में आई है। दाएं तरफ हमारा निवेश है, बाएं तरफ हमारे तकनीक है। यानी कि तकनीक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। किस पर? आई, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आई जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज टेक्नोलॉजी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वाई क्लासिकल इकोनॉमिक स्ट्रेट्स ऑन कैपिटल एक्युमुलेशन सेविंग रादर देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कि जो हमारा टेक्निकल नॉलेज है वो हमारा डिपेंड करेगा, तकनीकी जो हमारा प्रभाव निर्भर करेगा वो निवेश पर निर्भर करता है। और इसलिए क्यों क्लासिकल इकोनॉमिक्स, परंपरावादी अर्थशास्त्री पूंजी के संचय पर, जमा पूंजी पर, बचत पर प्रोग्रेस करते हैं ना, दबाव देते हैं, बल देते हैं, ताकि ना तकनीकी प्रोग्रेस की अपेक्षा। कहता है कि जो निवेश भी है ये आपका, जो तकनीकी प्रोग्रेस है ये भी आपकी पूंजी संचय पर निर्भर करता है। अब तीसरे जो चीज़ है वो आपकी है इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। बोले इन्वेस्टमेंट किस पर निर्भर करता है, सवाल ये आता है निवेश। तो बोले जो निवेश जो हम कर रहे हैं जिससे तकनीकी विकास होता है, बोले ये हमारा निर्भर करता है लाभ के ऊपर। और लाभ जो है कैपिटलिस्ट कब निवेश करेगा, जब उससे निवेश से कुछ मिलने वाला हो। तो यहाँ निवेश का मतलब हुआ न्यू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी कि पूंजी में नई वृद्धि। जैसे हमने उदाहरण दिया था दो कमरे का मकान, तीसरा कमरा और बना लिया, तो जो निवेश तीसरे कमरे का किया वो हमारा नया पूंजी स्टॉक हुआ। बोले उस पर निर्भर करता है, इसको इन्वेस्टमेंट इजिकल टू डेल्टा के इजिकल टू फंक्शन ऑफ आर। यानी कि निवेश का मतलब क्या, पूंजी में वृद्धि, के नेट, के इजिकल टू नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। यानी कि पूंजी के साथ के का मतलब क्या हुआ कि पूंजी में जो शुद्ध वृद्धि हो रही है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो इन प्रॉफिट पर निर्भर हो रही है। आर क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट को जो निवेश कर रहे हैं पूंजी के अंदर उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट उस पर निर्भर करता है। अब ये प्रॉफिट जो है किस पर डिपेंड करेगा, लेबर सप्लाई एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर। तो कैसे, कहते हैं प्रॉफिट अगर जब बढ़ता है, ये हमारा फलन किसका है, श्रमिकों की पूर्ति और तकनीकी विकास का।
कहला कि एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कैन रेज प्रोडक्टिविटी एंड हेंस प्रॉफिट। अगर हमने तकनीक का विकास किया, उस विकास करने से हमारी जो एग्रीकल्चर में कोई तकनीकी उन्नयन करते हैं हम, उससे हमारा क्या होगा, किसानों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है और उससे लाभ में वृद्धि होती है। और दस प्रॉफिट्स आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ बट द लेबर फोर्स। तो उसने कहा कि लाभ जो है केवल तकनीक से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस देश में उपलब्ध श्रमिकों का जो बल है उस पर निर्भर करता है। अब प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन लेबर सप्लाई को हम इक्वेशन के माध्यम से कैसे दिखाते हैं, आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एल। आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, क्या आपका हमने बताया था प्रॉफिट दो चीज़ों पर निर्भर करता बताया हमने, एक आपका तकनीक पर, दूसरा आपका सप्लाई ऑफ लेबर पर, श्रमिकों की पूर्ति पर और तकनीक पर। और टेक्नोलॉजी हमने पीछे बताई थी इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसका रिटर्न फंक्शन है उसका, प्रॉफिट का, तो आर इज इक्वल टू ये। तो कुल मिला के ये है कि आर्ग्यूमेंट का टेक्निकल प्रोग्रेस जो हमारे तकनीकी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारक है। अब सवाल आया कि जो साइज ऑफ लेबर है, लेबर फोर जो है, श्रमिकों का जो बल है वो किस पर निर्भर करता है। कहता है कि साइज ऑफ लेबर का जो बल है, जो साइज ऑफ लेबर, वो निर्भर करेगा आपके वेज फंड के ऊपर, मजदूरी कोष के ऊपर। आपका साइज ऑफ लेबर फोर ज़्यादा है और कम हो सकता है, तो ये दोनों के दोनों जो है आपकी उस पर प्रभाव डालेंगे, जनसंख्या के स्तर पर, जनसंख्या की वृद्धि पर, जीवन स्तर पर। तो बोल इन स्थितियों में हमारा जो लेबर है ये फंक्शन है किसका, वेज फंड का, एल इज द साइज ऑफ लेबर फोर्स। वेज हमने फंक्शन बताया, उसने कहा कि साइज ऑफ लेबर फोर्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि साइज ऑफ लेबर फोर्स है वो निर्भर करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, निवेश को लेकर। तो ये दो तत्वों पर बात हो रही है। अब इन सब सारे चीज़ों को हम एक क्लोजिंग इक्वेशन में दिखाते हैं। छह चीज़ें हमने बात करी थी आपकी, सातवें हम क्लोजिंग, क्यू इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू, आर प्लस डब्ल्यू, आर क्या प्रॉफिट है, डब्ल्यू क्या वेज रेट है, क्यू क्या टोटल आउटपुट है, आर क्या आपके पास प्रॉफिट एंड वेजेस। तो यू कैन से दैट कि आप ये कह सकते हो कि उस किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो है लाभ और प्रॉफिट दोनों का योग मिलकर होती है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के एन टी, हमने शुरू में बताया आपको प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन में। टेक्नोलॉजी को हमने बताया फंक्शन आई का, आई को फंक्शन बताया हमने, इन्वेस्ट फंक्शन बताया आर का, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का उसको आर हमने फंक्शन बताया आपका, टेक्नोलॉजी का और लेबर फोर्स का, लेबर फोर्स फंक्शन बनाई हमने वेज रेट का, एंड वेज रेट हमारा जो है किसके बराबर, इन्वेस्टमेंट के, इसलिए क्यू इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू। तो ये आप कह सकते हो कि हमारा जो है इन चारों पांचों चीज़ों का ये प्रभाव रहता है किसके ऊपर, आर्थिक विकास पर। ये किसका भी मत था, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का। बोला कि कहता है कि लेवल ऑफ प्रॉफिट जो होगा आपका डिपेंड करेगा वेज फंड के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ पे, लेबर फोर्स के ऊपर, साइंटिफिक इन्वेंशन के ऊपर, वैज्ञानिक शोध प्रवृत्तियों के ऊपर, ये आप पर प्रभाव करता है। तो ये इस तरह से ये क्यू जो है हमारा प्रॉफिट है, टी टेक्नोलॉजी है, आई इन्वेस्टमेंट है, फिर ये जो है हमारा ये सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब दूसरा जो मॉडल है वो है रोस्टो थ्योरी ऑफ ग्रोथ। सेकंड जो है रोस्टो थ्योरी ऑफ ग्रोथ। देखो ग्रोथ थ्योरी रोस्टो ने, इसने कहा कि क्योंकि जब कार्ल मार्क्स ने भी कैपिटल डेवलपमेंट की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी और ये लगने लगा था कि पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, उसी समय रोस्टो ने कहा कि देश का आर्थिक विकास
किस तरह से किया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये चीज़ें आई और लिस्ट के बाद उसने कहा कि आर्थिक विकास के कुछ चरण होते हैं, स्टेज होती है, उनको हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं। नॉन कम्युनिस्ट थे ये, उन्होंने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री और अंडर कैपिटलिज्म में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम किस तरह से एक स्वच्छ और साफ सुथरी विकास की कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स की जो थ्योरी थी वो कैपिटलिज्म को विनाशकारी बताती है, उस पर बैन लगाने की बात करती है। रोस्टो कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी विकास संभव है, और उसने 5 स्टेजों का उल्लेख करा, ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, उड़ान भरने के लिए पूर्व की शर्तें, द पीरियड ऑफ टेक ऑफ, उड़ान भरने के लिए तैयारी, द स्टेज ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता अवधि की पूर्ति पर, द स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन, अंतिम वासा उच्च स्तरीय उपभोग। तो सबसे पहले कि करके हम इनको बताते हैं आपको कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो हमारे परंपरावादी समाज है वो सिंपलेस्ट है, प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि परंपरागत समाज में जो सामाजिक ढांचा है, संरचना जो है, वो साधारण गति के परंपरागत तरीके से बनाई जाती है। बाजार का आकार बहुत सीमित होता है, जो तकनीक है वो न्यूटन के समय से पूर्व की है, फंक्शन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उत्पादन फलन उसके बहुत वो कम रहते हैं, और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है पर कैपिटा, यानी कि उस तरह में पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। दूसरा, उस विकासशील देश की एक बड़ा भाग जनसंख्या का कृषि पर आधारित होता है, सोशल मोबिलिटी कम रहती है, सामाजिक जो चलन है, लोशीलता है, वो भी कम दिखती है, पॉलिटिकल पावर जो है, राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं वो भिन्न भिन्न कबीलों में रहती है, एक राष्ट्र की बनावट, एक राष्ट्र का निर्माण, एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति का अभाव रहता है, और ऐसी व्यवस्था के अंदर जितना उतना ही उत्पादन किया जाता है जिसका उपभोग कर लिया जाए, बाजार के लिए किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता है, और इससे जो है अर्थव्यवस्था परंपरागत बनी रहती है। दूसरा, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, विकास के पथ पर जाने की पूर्व कंडीशन, पूर्व स्थिति, बोले ये वो स्थिति है जिसमें हम विकास के पथ पर नहीं हैं लेकिन विकास के पथ की ओर अग्रसर है। आज की तारीख में आप भारत को कह सकते हो, इंडोनेशिया को कह सकते हो, थाईलैंड को कह सकते हो, श्रीलंका को कह सकते हो, यानी कि ये विकास पे पथ पर अग्रसित होने की तैयारी कर रहे हैं। किसी किसी ने, मतलब आज तो हम उसमें आ गए हैं, लेकिन कुछ अलग अलग भारत में अलग अलग राज्य हैं जो कोई विकास के पथ पर है, जो ट्रेड ऑफ कंडीशन में है, टेक ऑफ की कंडीशन में है, कुछ हाई मास कंजप्शन कंडीशन में है, अलग अलग राज्य की अलग अलग आर्थिक स्थिति है, तो अलग अलग कमेंट्स उन पर किया जा सकता है। इसके में क्या होता है स्टेज में कि जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो उन्नति के जो कारक वो आगे आते हैं, और जो उन्नति कारक आगे आते हैं तो परंपरागत समाज की जो जटिलताएँ थी उन जटिलताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें उनमें साइंटिफिक वैज्ञानिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें भरते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें, इसके जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लग जाती है, नए उद्यमियों का उदय होता है, निवेश प्रारंभ हो जाता है, अधोसंरचना में वृद्धि होने लग जाती है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन नए जो साख के स्रोत हैं वो आने लग जाते हैं, वर्कफोर्स का मोबिलाइजेशन होने प्रारंभ हो जाता है, बर्थ रेट में कमी आने लग जाती है, राजनीतिक शक्तियों में परिवर्तन आने लग जाता है, और देश की भावना लोगों में आने लग जाती है। तीसरी जो कंडीशन है, टेक ऑफ स्टेज है हमारा,
डायनेमिक चेंज इन द सोसाइटी, समाज में गत्यात्मक रूप से परिवर्तन, तेज गति से परिवर्तन, और उसके साथ साथ उद्योग में, कृषि क्षेत्र में, विज्ञान में, तकनीक में, औषधियों में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सब में गत्यात्मक गति से साथ पकड़ता वो चीज आती हो। और ये जो चेंज परिवर्तन आता है, ये राजनीतिक संरचना को बदलाव ला देता है, और उसमें भी तकनीक में बदलाव आता है, राजनीतिक संरचना बदलाव आता है, समाज में बदलाव आता है। और पूरे विश्व पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय में स्थितियाँ निर्मित हुई है। USSR में अलग समय आई, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में अलग समय में आई, जापान में अलग समय में आई, चाइना में अलग समय में आई, इंडिया में अलग समय में आई, और UK US के अलग हैं, OPEC कंट्रीज के अलग हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ना, हमारा औद्योगिक क्रांति जो है भारत में 1956 की जो सेकेंड पंच फाइव ईयर प्लान है, द्वितीय पंचवर्षीय, वहाँ आई, जबकि यही काम ब्रिटेन में बहुत पहले कर लिया गया, 60-70 साल 80 साल पहले ही प्रारंभ हो गया था। तो ये बात उसको देखने को मिलती है। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारी निवेश की जो दर है, निवेश की जो दर होती है वो 5% से ऊपर रहती है, 10% तक के आसपास अगर हम निवेश की दर कर दें तो विकास की गति, इसलिए सरकार का मुख्य बल 10% विकास निवेश की दर पर रहता है। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आती है, और एग्रीकल्चर लैंड जो है, इस पर खेती बाड़ी होती थी शहरों के आसपास, वो आपकी किस्म लगी औद्योगिकरण पर होने लग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वन लीडिंग सेक्टर, हर देश में किसी ना किसी समय में एक जो है क्षेत्र का डेवलपमेंट लीडिंग हिसाब से हुआ। जैसे ब्रिटेन को अगर हम लें तो 17वीं-18वीं शताब्दी के अंतर्गत टेक्सटाइल और आयरन में उनका लीडिंग काम था, स्टील और स्टील की और आयरन की डिमांड पूरे विश्व में थी और इसका उत्पादन इंग्लैंड में किया जाता था। दूसरा, सोसाइटी के जो समाज के विभिन्न वर्गों में परिवर्तन आने लगता है, मॉडर्न यानी कि हम उस पर पॉलिटिकल जो हमारी राजनीतिक सोच है, सामाजिक सोच है, संस्थागत सोच है, उसमें परिवर्तन आने लग जाता है। अब अगली है द ड्राइव टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता की तरफ हमारा जाता हो, परिपक्वता जो है मैच्योरिटी की तरफ, यानी कि अब हम सभी क्षेत्रों में हम परिपक्वता हासिल कर रहे हैं, मैच्योरिटी हासिल कर रहे हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे आपका जो है ना तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे केमिकल हो, केमिस्ट्री आपकी स्टील का हो, टूल्स का हो, एग्रीकल्चर को, कि ऑटोमोबाइल, ये हम यानी कि हम ड्राइविंग सीट पर बैठे, हम किसी पर निर्भर नहीं कर रहे, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। चाहे बिजली के उत्पादन की बात हो, किसी की बात हो, यानी कि इन सब चीज़ों में हम आगे रहते हैं। और इसमें क्या चेंज होता है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं, ये बदलाव देखने को मिलता है। कंजप्शन पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है, यानी कि जो उपभोक्ता का जो पैटर्न है, प्रवृत्ति है, उसमें बदलाव, अब हम किसका एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर गुड्स की कंजप्शन बढ़ जाती है, लग्जरीज गुड्स पे TV है, AC है, कार है, मोबाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है, और कंजप्शन का लीडिंग सेक्टरों का उदय होने लगता है। और अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग होता है, स्वीडिश में टेक ऑफ जो प्रारंभ, स्वीडिश कंट्री में अगर प्रारंभ करें तो टिम्बर एक्सपोर्ट के साथ हुआ, और अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर सकते हो, रशियन का बात करें तो ग्रेन एक्सपोर्ट की बात कर सकते हो, स्टील, कोयला, इन सब पे बात कर सकते हो। अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में क्या, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप में बदलाव आता है, यानी कि जो हमारी जो उद्यमीकर्ता की जो नेतृत्व क्षमता है उसमें बदलाव आता है। तो ये लास्ट जो है आपका द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन की बात है, यानी कि इस अवस्था में हम
उच्च स्तरीय उपभोग पर फोकस करते हैं, यानी कि लोगों की आय में प्रत्याशित वृद्धि होती है और हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिति में पहुंच जाती है जब हम घर में बैठकर रेडियो को सुनना पसंद करते, टीवी को देखना पसंद करते, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर्स, उसके अंतर्गत जो है ना, और जो हमारी 1/3 पॉपुलेशन से भी ज़्यादा जो है ना हमारी कहाँ जा रही, कॉलेज में जा रही हो, वो सारा का सारा जो है हमारा कहता है कि हाई मास कंजप्शन की बात है। तो इसमें क्या होगा, नेशनल इनकम में हमारी वृद्धि होने लग जाती है और वर्ल्ड इन्फ्लुएंस में बढ़ने लग जाता है, वेलफेयर कल्याण में बढ़ने लग जाता है, कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि होने लग जाती है। और ये उसके बाद में क्रिटिसिज्म की है, क्रिटिसिज्म में इससे हमारी ग्रोथ पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ग्रोथ में बात जो रिडक्शन ग्रोथ, क्योंकि जो रोस्टो है वो एक दो सेक्टर की बात करते हैं कि हमें एक दो सेक्टर में ही ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, ओवरऑल जो कंडीशन है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, एक दो सेक्टरों की बात करता है। रोस्टो स्टेज जो है ना मैकेनिज्म इवोल्यूशन पे बात नहीं करता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया को, मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए ताकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन बन जाए ताकि कोई रिलेशनशिप डेवलप हुए, काम किया जा सके विदाउट एनी इंटरनेशनल बात करता है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि आप किस प्रकार का उपभोग चाहते हैं, किस प्रकार की क्षमता चाहते हैं, यानी कि इनके सब में आपको सिमिट्री समानता नहीं मिलती है। और प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है पॉल बारन ने दिया था कि किसी भी ऑपरेशनल कार्यशील सिग्निफिकेंस के बगैर हम कह सकते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। ऑफमैन ने भी कहा कि इंक्रीजिंग रेशियो, हमने नेट आउटपुट किस से निकाल रहे हैं, जो प्रोडक्शन निकालते हैं, कैपिटल से, गुड्स से या कंज्यूमर गुड्स से, हमारी जो हैबिट ऑफ सेविंग्स हैं वो उसको देखा जाता है कि हमारी हैबिट ऑफ सेविंग किस प्रकार की है। बेवर ने बात करी, रोस्टो कहता है कि हम सेविंग को चेंज करें या ना करें, तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ें करती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने दो मॉडल को आपको आज व्याख्या करने की कोशिश करी, एक रोज परम्परावादी विकास का अर्थशास्त्र और दूसरा हमने रोस्टो का मॉडल हमने बताया, जिसके अंदर हमने 5 स्टेजों की व्याख्या करी और 5 स्टेजों किस किस पर निर्भर करती है, और अंत में हमने रोस्टो के उसको जो है क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, उन बातों का उल्लेख किया है। अगले जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आपके समक्ष जो शेष आपकी इस यूनिट में मॉडल्स हैं, एरर्ड हैं, डोमार हैं और माथुर हैं और जो है ना कम्युलेटिव कॉजेशन थ्योरी है मिडल की, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो ये क्रिटिसिज्म की बात थी। तो क्रिटिसिज्म हमने 6-7 बिंदु आपको बता दिए थे, तो ये सब चीज़ों को आपके मतलब दो मॉडलों में क्लियर हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।